दोनों के दोनों पीजी के। चौपन 17-13 है, 4 की लीड है ग्रीन आर्मी की। दस नंबर जर्सी में रेडर्स का पूरा प्रयास, जब लगाने का प्रयास किया लेकिन शिकंजा इतना मजबूत था कि निकल नहीं है। और अपनी जीत के ताबूत में एक गेंद और ठोक दी है अभी तक, और यहां से स्कोर बोर्ड में 3 पॉइंट है, 0 के 0 बीजी के। दूसरे हाफ की शुरुआत कोर्ट नंबर 2, लेकिन 5 मिनट के अंतराल के बाद 5 मिनट भी शायद समाप्त होने वाली है थोड़ी देर में। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा और सेकेंड लास्ट भी, कल इस प्रतियोगिता का तीसरा और आखिरी दिन होगा। पुरस्कार वितरण तक आप सभी की गरिमा में उपस्थिति अनुकरणीय है, अविश्वसनीय है। कॉर्ट नंबर 1 की बात की जाए, बहुत बढ़िया प्रयास किया उन्होंने, और जाकर खुद ही अपने आप ही मौका दिया इन्होंने उसको टैकल करवाने का, और एक रन दे दिया, और ये पहला पॉइंट था। क्या राजपुराना रैफल की टीम ने खाता खोला। राजपूत राइफल और बीजी रूप चल रहा है। अब राजपुताना राइफल्स की टीम पुनर्ग्रीन आर्मी की तरह थोड़ा सा सबर करके लाकर रुक दिया है। भाई जितना यहाँ के आयोजकों ने इतना बड़ा इंतजाम किया है स्नो व्हाइट पब्लिक स्कूल का, इसमें इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने यहाँ पर जमीन मुहैया कराई प्रतियोगिता को कराने के लिए, ये धन्यवाद के पात्र हैं लोग। और आयोजकों ने इस तरह से मेहनत करके यहाँ पर दर्शक दीर्घा बनाई और दूसरा मंच तैयार किया, ये अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय सी बात है। विश्वास नहीं हो पता किसने बड़ा इंतजाम कैसे किया होगा, लेकिन इनका दिल बड़ा है बहुत ही, इन्होंने इस तरह का इंतजाम किया और शब्द कोश में शब्द नहीं है कि इनकी तारीफ की है। 3-3 बराबर कोर्ट नंबर 1 पर, पूरब कोर्ट में राजपुताना राइफल्स और इधर हमारी तरफ यानी पश्चिम में 1 और 2 में बदलने की कोशिश की थी रेडर ने, लेकिन दूसरा लपेटे में आया नहीं। उधर कॉर्ट नंबर 2 पे ग्रीन आर्मी 22 और इनके 15 पंजाब पुलिस के अरविंद सूबेदार मेजर मोहम्मद हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा आप एक बार स्टेज पर आ जाएं, बीजी से हैं आदरणीय अरविंद जी सूबेदार मेजर। मैं नवीन गुड्डू कारसन से हमारे बीच में नवीन गुड्डू से कि मेजर साहब को एक पॉइंट की बढ़त ले ली है। सूबेदार जी हैं, सूबेदार जी हैं बी जी रुड़की और हमारे बीच में हैं। मैं पूर्व कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और गुड्डू कारसन से उनको एक बैच लगाते हुए सम्मान बढ़ाते हुए उन्होंने इस प्रतियोगिता में आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है, ये प्रतियोगिता उनका सम्मान कर रही है। खेल एक ऐसी चीज है एक दूसरे का मान सम्मान करके आगे चलना, ये एक टीम गेम है, टीम वर्क है बहुत ही। और ये युवा समिति नारसन इसका
जागता जीता जागता उदाहरण है, जो कि आए हुए मेहमानों को यहाँ पर बिल्कुल बखूबी उनका मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और इन्होंने एक तरह से आत्महत्या कर ली। अब देखते हैं कितने का फैसला होता है कि मेरे बाहर बैठे। कोई बात नहीं, ये अंपायर का डिसीजन और अंपायर का डिसीजन। 4 पॉइंट भाई, सुपर से भी ऊपर सुपर डबल रेड हो गई है और बीजी की टीम ने यानी बंगाली जनरल ग्रुप ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 10 मार्क राजपूताना राइफल्स आधे में। उधर बड़े मार्जिन से आगे चलेंगे ग्रीन आर्मी की कॉर्नर नंबर 2 पे। 22 ग्रीन आर्मी के हैं और 16 पंजाब पुलिस के। दो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल सुपर 8 में। बेहतरीन प्रयास यहाँ पर और राइफल्स के ऊपर बारिश के बादलों के साथ साथ खतरे के बादल बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और यहाँ पर टैकल किया गया और जो 1 पॉइंट और मिलेगा। अब मुझे लग रहा थोड़ी देर में 3 पॉइंट मिल रहे हैं। 99% जो पके हैं स्वाभाविक है और 3 और देखिए। अब पॉइंटों की बरसात हो रही है, पानी की बरसात के लिए तो बादल खामोश है लेकिन अंकों की बरसात आज नाशन में हो रही है। पहले में चोरी करवा दे ऐसी चौकीदारी क्या, अपराधी को पकड़ ना पाए ऐसी थानेदारी क्या, जिसका जाए चौक निशाना उसका नाम खिलाड़ी क्या, और खेल भावना से ना खेले उसका नाम खिलाड़ी क्या। दोनों तरफ से दावेदारी हो रही है भाई, रेफरी का निर्णय सर्वमान्य है और क्वालिफाइड ऑफिसर वहां पर खड़े हुए हैं, कोई आशंका की स्थिति नहीं बन सकती। और हमारे बीच में NISC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट यानी भारतीय खेल संस्थान करना आसान बात नहीं है, बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, इम्तहान देना पड़ता है, बाकायदा सब मिलता है डिप्लोमा। उसी के साथ एक अंक और बनाएगा और बीजी की टीम लगातार मजबूत स्थिति में अपने नींव को मजबूत करती हुई और 17-6 स्कोर कर दिया यानी 11 पॉइंटों की लीड होना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी पहले हाफ में। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले हाफ में दूसरे हाफ के 5-6 पॉइंट इन्होंने अभी तक और भी बना लिए। बहुत बढ़िया डैश कर दिया रेडर को पूरे तरीके से और पूरी तरह से सप्लाई को तोड़ दिया है। गुरु भाई ये ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट है गांव पोखराणा तहसील मोदी नगर गाजियाबाद में 51,000 31,000 और 21,000 और तीसरे और चौथे स्थान की टीमों को 10,500 प्रत्येक को दिए जाएंगे। 16 और 17 तारीख के निश्चित है। इसके बाद आज उद्घाटन हो चुका ग्राम चोरावाड़ा में, बाकी कुछ सदस्य हमारे बीच में होंगे भी। प्रो कबड्डी के स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। बहुत बढ़िया, मैं एक अंक और ले लिया इन्होंने और
इन्होंने जिस समय टर्निंग पॉइंट खुद लेना था उस समय जो चार पॉइंट दिए थे इन्होंने सुपर रेड के रूप में, वो इनके लिए घातक सिद्ध हुआ राजपूताना राइफल के लिए। अब उसकी भरपाई करना इनके लिए बड़ी चुनौती हो गया है। वही मुसीबत है, उन चार पॉइंटों के जाने से स्थिति बेहद खराब हो गई है। अब तो फुर्ती क्या करनी पड़ेगी, मैं चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। और बहुत मजबूत स्थिति में इधर कॉर्ड नंबर एक पर 17 पॉइंटों की लीड है की। उधर 21 पॉइंटों की लीड है एयरफोर्स के जो सम्मानित कोच है श्रीमान रामवीर सिंह जी, मुख्य मंच पे अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे आदरणीय रामवीर सिंह जी कोच एयरफोर्स के अच्छे जबरदस्ती में ग्रेडर, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए चोट करने की कोशिश की इन्होंने लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन संभावनाएं बहुत दूर थी। हेलो टीएनबी मुंबई, टीएनबी मुंबई यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं, टीम कोच टीम कैप्टन यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पास है टीएनबी मुंबई यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं टीम कोच या कोई भी टीम खिलाड़ी तो एक बार स्टेज पर आ जाएं टीएनबी मुंबई। हाँ एक बार कोई भी खिलाड़ी या कैप्टन इंचार्ज एक बार स्टेज पर आ जाए टीएनबी मुंबई। हेलो मैदान नंबर 2 में जो अगला मैच होना है एसएसबी वर्सेस इंडियन नेवी, दोनों टीमें तैयार रहेंगी। और ग्राउंड नंबर 1 पर लखावटी वर्सेस सीआईएसएफ, ये चारों टीमें ग्राउंड नंबर 1 और 2 में तैयार रहेंगी और ये आज के दिवस के आखिरी मुकाबले होंगे। बहुत बढ़िया भाई, सीधा करना पड़ेगा, बदल दो वक्त या फिर वक्त के साथ बदलते रहिए, जिंदगी सुबह है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक टीएनबी टीएनबी मुंबई यदि आ रहे हैं एक बार कहां से पर बदल दो वक्त या फिर वक्त के साथ बदलते रहिए, जिंदगी सुबह है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। 26 ये 11वां पॉइंट बनाता बहुत देर के बाद और पंजाब पुलिस को कोड नंबर 2 पर एक पॉइंट अपनी दूसरे हाफ में हार का अंतर और थोड़ा सा कम कर दिया। एक तरफ 31 है तो दूसरी तरफ 30 है। और उपेंद्र जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार स्टेज पर आ जाएं। उपेंद्र जी इस मैच के बाद ग्राउंड नंबर 1 के मैच जो मैच हो रहा है इस पर एक मैच और होगा टीएनबी मुंबई वर्सेस कठुआ क्लब हरियाणा और टीएनबी मुंबई महाराष्ट्र वर्सेस हरियाणा के बीच मुकाबला होगा। उधर इंडियन नेवी वर्सेस एसएसबी खरीदल फिर इसी मैदान पर ठीक 8:30 आपके बीच में एक से एक केंद्रीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और भाई मेरा चाय का जो अरेंजमेंट होता है कल भी हुआ था तो आपसे गुजारिश है कि इनके लिए वो चाय का अरेंजमेंट कर दे और प्रबंध कर दे। इनकी जिम्मेदारी है वो बहुत ही बढ़िया
फुटवर्क था, लेकिन बीच में कहीं पर कोई ऐसी बाधा सामने नहीं आई जो इसे ये चेक करते और करीब मामला था। अब तीन पॉइंट मिलेंगे, टू रेड पॉइंट प्लस वन बोनस पॉइंट, थ्री पॉइंट विल इंटू इन टोटल स्कोर। नाइन नंबर जैसी एज ए रेड लुकिंग फॉर लूज पॉइंट, वेरी गुड टैकल, वन सेकेंड अगेन एंड अगेन टू पॉइंट इन स्कोर, 12th एंड 13th पॉइंट अगेन एंड अगेन टू पॉइंट इनक्लूड इन टोटल स्कोर 13 अगेंस्ट 29। Once again, hacking of points. 12, 13 and 14 points. Again and again, has come in total score. Of Raj Pudana Ravens, 14, 29. Very good. Very good, second. And once again, fourth point continue, including total score, 15-29. Good answer, good revenge by BET. Very interesting. Yes. In progress for court number one. Second last match of today, in progress. Last match after this match. और कॉर्ड नंबर टू 34-23 पंजाब पुलिस गेज ऑन 23 ग्रीन आर्मी ऑन 34। यस, वन पॉइंट इन फेवर ऑफ, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल टैकल कर लिया, कहीं पर भी बीजी के लिए मौका नहीं आ रही है। और 30 से ऊपर आने के बाद आप सभी कहते हैं कि मैं स्कोर बता दिया करो, 30 से ऊपर आने के बाद हमारे स्कोर बोर्ड में अंक नहीं है तो वहां पर पेपर में लिखा जाता है। बहुत ही बढ़िया फुटवर्क है भाई, पूरा बॉडी वर्क ही बढ़िया है और जितनी तारीफ की जाए रेडर की, एक परिपक्व और मैच्योर रेडर की तरह रेड डालते हुए। और कोर्ट नंबर दो की बात की जाए तो मैच समाप्ति के करीब आ रहा है और पंजाब पुलिस की टीम को आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बीच बीच में कहीं कहीं पॉइंट आ जाता है, वरना ग्रीन आर्मी की टीम ने अपना शिकंजा बहुत मजबूत कर रखा है। अच्छा, 33-15 15 एंड 33 अगली दोनों टीमें ग्राउंड के नजदीक आ जाएं, महाराष्ट्र फाइनल में पहुंचे की मजबूत कर रखी है। अच्छा, 3 मिनट स्टेशन, लास्ट 3 मिनट शेष है और कितनी दूर है राजपुताना राइफल से। भाई यूके 17-37-68 नंबर की मोटरसाइकिल गुम हो गई है बाहर से, तो कोई दर्शक अगर भूल भी ले गया हो या उसकी मोटरसाइकिल की चाबी दूसरी मोटरसाइकिल में लगी हो, इस चक्कर में भी कभी कभी जाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले कुछ नॉर्मल टूर्नामेंट था, वहां पर ऐसा ही हो गया था, वो ले आया था, उसने ईमानदारी का सबूत दिया और मोटरसाइकिल वापस कर दी थी। तो ऐसी ही ईमानदारी का सबूत यहां पर भी दें और वो बाइक वापस कर दें अगर आप वैसे ले गए हैं भूल में। ठीक है, Yeah.
पर भाई अब समय बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है, अब स्कोर इतना ज्यादा है जीडी का कि अब किसी भी समय में की समाप्ति का ऐलान हो सकता है। वो तो कह रहा हूं मैं भाई, कोई भूल कर जा सकता है, किसी की चाबी किसी की डोगरी है, पर अनुशासित सारा माहौल है। गोल्ड नंबर दो की टीमें पहुंच जाए और पड़ने का खतरा प्रबल रूप से है, इसलिए अपना मैच खेलने के लिए पहुंच जाएंगी दोनों टीमें और मैदान नंबर एक की टीमें भी तैयार रहेंगी।